विश्व में हॉकी की जादूगर के नाम से जाना जाते हैं, जो उनके नाम से नामांकित, उनके नाम से जो नामांकित ये स्टेडियम है, आज स्टेडियम में ध्यानचंद जी की नाम से नामांकित स्टेडियम में आज खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी टीम की अंडर 21 चैंपियनशिप की जो पहली छत्र है, इस छत्र में ये जो उद्घाटन समारोह है उसमें उपस्थित आदरणीय खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्रालय की मंत्री आदरणीय अनुराग ठाकुर जी उपस्थित, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष भद्रा जी उपस्थित, भारतीय हॉकी संघ की अध्यक्ष बीजी साई संदीप जी, युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग के सारे अधिकारी गण एवं सारे भारत के हर एक प्रांत से आए हुए खिलाड़ियों सबको मैं सादर प्रणाम देता हूं कि आज इस समारोह में आप सभी लोग आके उपस्थित हुआ, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज की इस समारोह में उपस्थित बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो आगे जाके भारत की झंडा को विश्व की पटल पर ऊंचा लहराएंगे। 1974 और 80 के बाद, चार दशकों के बाद 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम ने उनकी उत्कृष्ट प्रदर्शन से, उत्तम प्रदर्शन से देश की नाम रोशन किया और भारत की झंडा को टोक्यो की मिट्टी में भी ऊंचा लगाया। और आज मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और हमारे खेल मंत्री मेरे अग्रस्तुल्य अनुराग ठाकुर जी की, उनकी जो खेल की प्रति उनकी जो अनुभव है और उसके साथ साथ खेल को हर एक क्षेत्र में, चाहे वो हम लोगों ने ओलंपिक में टाइम पे देखा कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने चेयर फॉर इंडिया का नारा लगाते हुए खिलाड़ियों को छोड़ने के लिए, सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट तक गया, और इसी भाव से पता चलता है किस भावना से उन्होंने खेल को देखते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके कर्मिष्ठ हाथों में इंडियन जो हॉकी टीम है, वुमेन्स हॉकी टीम है, बहुत आगे जाएंगे और भारत के लिए अपना उत्तम प्रदर्शन करेंगे। आज यहाँ उपस्थित सभी खिलाड़ियों को मैं फिर से एक बार बधाई देता हूँ और भारत की झंडा ऊंचा लहराने के लिए मैं आह्वान करता हूँ, फिर से एक बार सबको बहुत बहुत बधाई देके, शुभकामनाएं देके मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय।